चंद्रपुर महानगर के साथ जिले के किसी भी क्षेत्र में कभी भी बाघ और तेंदुए के दर्शन होना अब आम बात हो चुकी है, जिसके चलते नागरिकों में भी भय का वातावरण निर्माण हो चुका है। वहीं नागभीड़ तहसील के एक प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र में बाघ दिखाई देने का वीडियो काफी वायरल हो गया है। यह प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, जानते हैं इस खबर में। नागभीड़ तहसील का घोड़ाझरी अभयारण्य यह पर्यटन का सुप्रसिद्ध स्थान है और काफी दूर दूर से पर्यटक यहां पर आते हैं, मगर अब सिटी न्यूज के प्रतिनिधि अमर बुधार पवार के जानकारी के मुताबिक अब घोड़ाझरी अभयारण्य में आने वाले दुपहिया वाहन धारकों को सावधानी बरतना जरूरी हो गया है, क्योंकि इस परिसर में बाघ का वास्तव दिखाई दे रहा है और यह बाघ का वीडियो घोड़ाझरी गेट परिसर की होने की बात कही जा रही है और ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है। मेरी जानकारी के अनुसार सुबह लगभग 11 बजे के आसपास गेट के प्रवेश द्वार पर काम करने वाले कर्मचारियों को इस बाघ ने दर्शन दिया, ऐसा कहा जा रहा है, और उन्होंने इसका वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है। गौरतलब है नागभीड़ तहसील में बाघ ने काफी कहर बरपाया है। बाघ के हमले में अनेक लोगों की जाने जा चुकी हैं और नागरिकों का ऐसा मानना है कि इस परिसर में तकरीबन 5 से 6 बाघ हैं। वन विभाग ने इसमें से दिसंबर महीने में मौसली परिसर में एक बाघ को नजरबंद किया था और पिछले महीने कोदेपार मिंडाड़ा इस रास्ते पर सुबह 7 बजे के आसपास अनेक लोगों को बाघ के दर्शन हुए। नागभीड़ तहसील के घोड़ाझरी अभयारण्य को शासन ने पिछले 5 वर्ष पहले अभयारण्य घोषित कर दिया था, मगर विभाग ने शासन का अभी तक स्वतंत्र कार्यालय निर्माण नहीं किया है। नागभीड़ तहसील के घोड़ाझरी अभयारण्य का संपूर्ण कार्यभार नागभीड़ के प्रादेशिक वन कार्यालय की ओर है, वन विभाग ने संयुक्त वन व्यवस्थापन कमेटी की ओर सौंपा है। इस अभयारण्य का दृश्य काफी मनमोहक है और इस अभयारण्य के मध्य में सिंचाई विभाग का ब्रिटिश कालीन एक तालाब है। बरसात के महीनों में पूर्व विदर्भ के और वर्ष भर पर्यटक यहाँ पर आते रहते हैं। वहीं तालाब ओवरफ्लो होने पर लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, मगर वहीं अब घोड़ाझरी प्रवेश द्वार के पास बाघ दिखाई देने से दुपहिया वाहन चालकों को सावधानी बरतना काफी आवश्यक हो गया है। सिटी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि अमर बुधार पार की रिपोर्ट।